अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय जक्सवारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद हारिस और हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो गैज़, कोरोना वायरस केसेस में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो चुका है। पिछले दिनों में चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 8 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और एक घर में 3 अफराद कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं। इसकी वजह यह है कि लोग SOPs पर अमल बिल्कुल नहीं कर रहे, फेस मास्क का भी इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है और समाजी फासले पर भी अमल नहीं किया जा रहा। इस मामले में इंतज़ामिया को चाहिए कि वो लोगों को SOPs पर अमल करवाएं ताकि केसेस कम हो सकें। और आज़ाद कश्मीर में इस बार लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया और अगर यही सूरत हाल रही तो लॉकडाउन के भी चांसेस हैं। कोरोना वायरस की पहली लहर से हमारा चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर इस वजह से बचा हुआ था क्योंकि तब लोगों ने SOPs पर अमल किया, तब लोगों ने मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया था और समाजी फासले पर भी अमल किया था। हमारी आवाम से यही इल्तिजा है कि वो SOPs पर अमल करें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और समाजी फासले पर भी अमल करें ताकि कोरोना वायरस से सारे लोग महफूज रहें। तमाम मस्जिदों में भी ये ऐलान कर दिया गया है कि जो कोरोना वायरस से मौत हुई हैं उनका ऐलान ना किया जाए और हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। तो गाइस, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़ फ़ी मानिल्लाह।